पार्टी के जो दिल्ली के सारे नेता लोग हैं जो इस समय उपस्थित हैं और जो कुछ लोग पहले आए, आपने उनका भी स्वागत किया। अभी यहाँ आने से पहले मैं एक और कार्यक्रम में भाग ले रहा था, कुछ डिस्कशन थी, तो मैंने लोगों को याद करवाया कि जब 5 वर्ष पहले 2014 में जब चुनाव होने जा रहे थे तो उस समय क्या माहौल था दिल्ली का। एक नई राजनीतिक संस्था पैदा हुई थी, उसकी जो पैदाश थी वो एंटी करप्शन मूवमेंट में थी। आपको याद होगा अन्ना हजारे जी ने एक रामलीला मैदान में बड़ी एक गैदरिंग थी वहां पे, और नारा था एंटी करप्शन का, और कौन थे वो भ्रष्टाचार में मिले हुए लोग जिनके खिलाफ वो आंदोलन करने थे, मैं उसको याद दिलवाना चाह रहा हूं। आपको याद है 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस लेड यूपीए सरकार थी, जिसमें अंग्रेजी भाषा में तो वो कई अल्फाबेट की भ्रष्टाचार के केस हुए, 2G, CWC, इतनी लंबी लिस्ट है मुझे याद भी नहीं है। जीजा जी। तो वो जो आंदोलन था वो एंटी करप्शन मूवमेंट का आंदोलन था, और आपको याद है मई 2014 की उस चुनाव के पहले क्या उन्होंने नारे लगाए थे, क्या उन्होंने किया था। मुझे याद है एक दिन मार्च में बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे मित्र हमारे दिल्ली के और नेशनल सीनियर लीडर अरुण जी के यहाँ पहुंच गए, वहां पे उन्होंने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, घर पे, उनके घर की बात कर रहा हूं मैं जी, कैलाश कॉलोनी में सुबह सुबह। फिर उस कुछ देर बाद उन्होंने रेल भवन के बाहर एक बड़ा आंदोलन चलाया, जिसमें वो 36 घंटे करीब उन्होंने दिल्ली को बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे ले आए थे 22 जनवरी। क्यों? क्योंकि वो हमारी राजनीति में, हमारी पॉलिटिकल लाइफ में साफ सुथरी पॉलिटिक्स लाना चाह रहे थे। और आज अब कोई अखबार खोली है, क्या पॉलिटिकल मैसेज मिल रहा है आपको? ये आम आदमी पार्टी पूरे जोर से लगी हुई है कि किसी तरह भी उनकी, उनका कांग्रेस पार्टी जिसको 5